बगैर ज़रूरत के हम घर से ना निकले, जो जिस गांव में है वो 14 तक उसी गांव में रहे, जिस शहर में है उसी शहर में रहे। हम भावना में आकर बच्चे की याद, बहन की याद, बीवी की याद, भाई की याद, ये सारी चीज़ें अपनी एक तरफ, लेकिन नियम का पालन एक तरफ। अगर हमने इसको नहीं किया तो हम न सिर्फ अपनी जान से खेल रहे हैं, बल्कि अपने रिश्तेदारों की जान से खेल रहे हैं, अपने पड़ोस की जान से खेल रहे हैं, हम इंसानियत से खेल रहे हैं। इसलिए इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे यहाँ पर जो केसेस आ रही है अभी और उनका जो चेकअप हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है कि जलगांव के अंदर हमारे यहाँ पर जो कुछ भी रिपोर्ट आ रही है, अगर ये एक दो रिपोर्ट को छोड़ दिए तो काफ़ी निगेटिव रिपोर्ट सामने आ रही है। यानी इसमें कहीं तो भी ऊपर वाले की दया है कि हम इससे बचे हुए हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होना चाहिए कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें, कुछ दिन तक और जो है तो सब्र से काम ले लें, क्योंकि इस बीमारी को रोकने के लिए सिवाय उसकी चेन को तोड़ना दूसरा कोई इलाज हमारे पास नहीं है। हम प्रशासन का साथ दें। हमने ये भी देखा कि बहुत से लोग, जब हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आकर मालूमात पूछते हैं, तबीयत का पूछते हैं, तो पता नहीं क्यों लोगों को डर लगता है। सही सही बताइए, अगर मुझे तकलीफ है और उसके सिम्टम ऐसे है कि जो सस्पेक्टेड है, तो पहली फुर्सत में मुझे खुद आकर आगे आकर बताना चाहिए कि मुझे ये शिकायत है, ये है, क्योंकि उसका इलाज है, इसका इलाज है, इसीलिए आपको बताना है। बहुत से लोग पता नहीं ये समझते हैं कि NRC है कि NPR है, अरे वो एक साल के लिए पोस्टपोन हो गया, उसका कोई संबंध नहीं है। ये मालूमात दीजिए, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की मालूमात है। अगर ये मालूमात हम छुपाते हैं तो हम गुनाह कर रहे हैं, हम अपनी जान से खेल रहे हैं। अपने घर की मालूमात दीजिए, अपने बच्चों की मालूमात दीजिए, और ऐसे जो वर्कर आते हैं वो बेचारे अपना जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं, वो आपकी जान के लिए आ रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, और हम उनके साथ कोऑपरेट ना करें तो ये तो बहुत गैर इंसानी मामला हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, और मैं अपने ख़ास तौर से हमारे इकरा के जितने डायरेक्टर्स हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वो इनको सपोर्ट करें। हमारे टीचर, हमारे स्टाफ, जो हमारे मित्र परिवार, जो युवक, जो फाउंडेशन, जो संगठनाएँ अलग अलग वार्डों में काम कर रही है, जो एक्टिव रहते हैं इस काम के अंदर, वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करें और उनको पूरा पूरा जो है तो साथ देकर ये कोरोना को भगाने के लिए, ये कोरोना के मुखालिफ जंग में हम अपना योगदान दें। आज जिस तरीके से कुछ बातें सामने आ रही है, ऐसी बातें नहीं आना चाहिए। किसी एक कम्युनिटी या किसी एक समाज का ये मसला नहीं है, ये पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तानियों का मसला है। इसलिए हमने अपने देश की जो कुछ भी इंसानियत वाली हमारी पहचान है, उसी को कायम रखकर इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, इस COVID-19 के ख़िलाफ़ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। एक दूसरे पे शक न करें, एक दूसरे के साथ में बातचीत करके अपने अपने इलाकों में हम इसको किस तरह भगा सकते हैं, इस काम को करने के लिए आगे आएँ। बहुत खुशी की बात है, हमारे यहाँ के सभी हिंदू मुस्लिम संगठन अपने अपने एरियो के अंदर गरीब लोगों को अन्न धान्य बाँट रहे हैं, सरकार भी उनको मदद कर रही है, और ख़ास तौर से जो बेचारे वर्कर जो यहाँ से पैदल दूर से जा रहे हैं, रास्तों पे चल रहे हैं, सैकड़ों लोगों को रोककर उनको अन्नधान्य दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। ये मानवता का जब काम होगा तो ऊपर वाला भी हम पे रहम करेगा, क्योंकि हम जानते हैं तुम धरती वालों पर रहम करो, आकाश वाला तुम पर मेहरबान होगा। यही मेरा मैसेज है, आप तमाम से विनंती है। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि इस COVID-19 के ख़िलाफ़ जंग में सकीरे पाठिंबा देकर पूरा पूरा कोऑपरेशन करें और पूरा पूरा अपना योगदान दें। यही मेरी आपसे विनंती है। धन्यवाद।